हम तो ये सोच रहे थे कि इंडिया टुडे ने कर कैसे दिया। चलो सॉरी, नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। ईमानदार पत्रकारिता, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जरूरी है कि आप हमारी आर्थिक तौर पर भी मदद करें। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, सत्य हिंदी का सदस्य बनना होगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे, कुछ डोनेशंस आपको हमें देने पड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमें कॉरपोरेट जगत पर या फिर सरकार के विज्ञापन में निर्भर रहना होगा तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता नहीं हो सकती उस तरीके की जैसा हम चाहते हैं। दूसरी बात, सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब तक की पिछले कई दिनों की, पिछले कई महीनों की, हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई नहीं है, ये खबर अपने देश की है। दरअसल इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया है। इंडिया टुडे हर 6 महीने पे एक मूड ऑफ द नेशन के नाम पे एक सर्वे करता है और उस सर्वे में वो देश का मिजाज भांपने की कोशिश करता है। देश के मिजाज को जांचने के लिए वो लोगों से सवाल पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मौजूदा सरकार, मौजूदा नेता, मौजूदा राजनीतिक दल की उनकी लोकप्रियता का हाल क्या है, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं और अगर अभी चुनाव हो जाए तो उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। उसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का भी एक प्रश्न होता है। ऐसे में इंडिया टुडे का जो ये सर्वे है, इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा दिखाई पड़ रहा है, नतीजा क्या बल्कि हम कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला आकलन कह सकते हैं, लेकिन इस सर्वे का जो नतीजा है उसके मुताबिक जब ये सवाल पूछा गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन, यानी इस वक्त अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना हो तो आप किसको अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो उस लिस्ट में जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, लेकिन 2020 अगस्त में की तुलना में 42% की गिरावट है। जी हां, 2020 में इसी समय जब इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था तब प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी अप्रूवल रेटिंग 66% थी, आज गिर के 24% हो गई है, यानी 42% की गिरावट आई है, जिसे हम कह सकते हैं कि जबरदस्त नहीं बल्कि कोई और शब्द है तो भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे कारण क्या है, इस पर ही हम बात करेंगे, चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा कारण लोग ये बता रहे हैं, दरअसल कोरोना की वजह से आर्थिक जो इस वक्त स्थिति है उसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से। लेकिन इस ग्राफिक्स में एक चीज अगर आप और देखें तो वो थोड़ी सी हमारे आज के राजनीतिक जो तापमान है उसका एहसास कराती है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी, हालांकि ऑफिशियल के तौर पर नहीं किया जा रहा लेकिन मुख्यमंत्री हैं, 2020 की तुलना में उनकी लोकप्रियता में प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की पादान पे हैं। 11% उनकी लोकप्रियता है, पिछली बार 3% थी। राहुल गांधी थोड़ा उनमें इजाफा हुआ है, सिर्फ 10% है, पिछली बार एक साल पहले 8% थी। अमित शाह 7% है, पिछले साल 4% थी। केजरीवाल 8% है, पिछले साल 3% थी। और ममता बनर्जी लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने जीत हासिल की है, आज की तारीख में विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी के बाद शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय वही हैं। पहली पसंद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल के बाद उन्हीं को माना जा रहा है। तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर दरअसल निश्चित तौर पर आज की रात नरेंद्र मोदी जी को शायद उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी नींद उनको आनी चाहिए। लेकिन इसका सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अगला चुनाव हो जाए तो इंडिया टुडे का सर्वे क्या कहता है। इंडिया टुडे का सर्वे यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर फिलहाल बहुमत नहीं ला पाएगी। 303 की तुलना में उसकी सीटें घटकर 269 हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ 59 यानी 59 सीटें, और अन्य के खाते में 215, यानी जो बीजेपी को नुकसान हो रहा है वो राज्य के जो छत्रप है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको फायदा होता नजर आ रहा। आपके मन में सवाल होगा कि इंडिया टुडे के सर्वे में दरअसल कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है। बेरोजगारी, 59% लोगों का कहना बेहद गंभीर स्थिति है। गंभीर स्थिति कहने वाले लोग 24% हैं और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।